साजी को छेवा करे हो देखत कीता होवे वगार के क्या महाराज साहब ने बड़े सियाने बनते हो साइंसदान बनते हो काढ़ा कढ़ते हो सही पांच तत्ता तो सृष्टि साजी सेवा तत् बना के दसो है किसी जेमत नहीं कोई कर सकता जे घट जाए तो जिंदा नहीं कोई रह सकता। इस प्रकार काश है साडे शरीर अंदर जिथे पलाड़ है तो पलाड़ वाले थां हवा जाती है श्वास ता तुरे फिरते हैं नहीं तो शरीर है पत्थर वगू मीट जाए उस हवा दे जी अग्नि चले जाती ऊर्जा मिल जाती है। इस प्रकार मिट्टी है शरीर है भावें जोर छकते हैं तो भावें अन्न छकते हैं तो भावें फल धरती तो पैदा हुए हैं। इस प्रकार धरती माता ताई कहा बिष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन न मनी विपरीत धरती वर्गा हिरदा हौसला साडा होना चाहिए जो खुरखा वर्गा जेरा होना चाहिए है सह धरती खड़काट डारियो मन न किनो रोस काज वा को ले सवारियो तिल न दिनो रोस। इस प्रकार धरती शरीर है मिट्टी में पैदा होया बनिया खुराकों तो पैदा होया तो मिट्टी में मिल जाना है भावें दब देवो तो भावें साड़ देवो एक दबी एक दजी एक ना कुत्ते खाए पानी में सजी पीहर हसण आए पाए जब डरिए तब होए भसम तन रहे किरम दल खाई काकी गागर नीर परत है यह तन की यह बड़ाई एहो बड़ियाई है तन शरीर की ऐसों वध कोई होर वड्याइया शरीर को नहीं मिलदियाँ। शरीर मिट्टी मिट्टी च मिल जाऊ तो हवा हवा च मिल जाऊ अग्नि अग्नि च मिल जाऊ तो पानी पानी च मिल जाऊ। सिद्धा ने की चर्चा गुरु नानक पातशाह के नाल बटाले के नेड़े अचड़ उसे सरोवर बनया हरिमंदर साहब वर्गा उस सरोवर में मंदिर बनया हिंदू मत वाले ने मूर्तियां रखिया ने टलियां बजाते धूफा सजाते सिर मत्थे रब न याद करते किसी तरीके कर लैन। सिद्धा ना बड़ी चर्चा हुई मेला छुण शिवरात का बाबा अचल बटाले आए दर्शन देखने कार ने सगली उल्ट पई लुकाई लंबी चौड़ी गोश्त है हार हुई सिद्धा की कह लगे जी साढ़े नाल लुकन में ही खेडो सिद्धा नूं माण सी असी सिद्धी दे बल नाल अपना रूप बदल लेने हैं सो असी गुप्त प्रगट हो जाने सानूं किदां लभ लो वह बंदा समझदा सी ते कई बंदा समझदे सी कई हुण वी बंदा ही समझदे महाराज साहब नूं पर बाणी का फैसला वे मानस का कर रूप ना जाण वह आप निरंकार काल पर साढ़े कृपा साढ़े भले वास्ते प्रगट होया सी जिद्दां सिद्धो तुहाडी मर्जी है उतरे खड़ लो कहते असी लोग आगे तुम सू लो ना लगोगे तो हार हो जाओ हार मन लियो चलो लुक लो ती फिर सिद्धा ने अपने स्वरूप बदले अचल की किया कोई जानवर बन के पहाड़ा उड गया तो कोई बोर दिया जड़ा च वड़ गया डड्डू बन के कोई मच्छी बन गया कोई टिड्डी बन गया कोई होर कुछ बन गया अपने रूह बदले तो धन गुरु नानक पातशाह जी ने उन्ने रूप अपने बना ले जिथे जिथे गए थे उतों उतों ही पकड़ के किसी खंभा तो किसी मुछा तो किसी टंगा तो ढेरी ला दिती हार हो गई सिद्धा जी वो साडा गुरु है असी सिख बनना है कि सिद्धा ने बनना है जंतरिया मंत्रियों ने बनना है अज जरा कोई दम गजा विखा दे रिधि सिद्धि विखा दे गुप्त प्रगट विखा दे अंग बकरे करे विखा दे अग्ञानी तो बेसमझ कहते गुरु नानक ही आ गया उस तो भी नवा आ गया कोई कंधा भजा के विखा दे रुख उड़ा के विखा दे गुरु नानक बदावा ना दे दियो गुरु ग्रंथ साहब के गुरुआ के गुरु ने जुगो जुग अटल ने सिद्धा की हार हो गई तो सिद्ध कह हूँ तुम लुको सिद्धो असी लुकते हैं तुम लभ लियो तो जे ना लभ सके तो फिर दसो तुम दसो जी कहते फिर टका रख के धरती से मत्था टेक के माफ़ी मंग लियो हार मंद लियो तुहाडे सामने बैठे होवांगे तो फिर इस तरह की किया हजूर ने एक चेता तो आ गया एक तत्तों तो आया शरीर सानू विखाने लई सी केवल तत्तों तत्त मिला दते हुण किनू इकट्ठा करनगे तो किनू फड़नगे कित्थों लभणगे नहीं लभ सके हार मंदनी पई हजूर सामने बैठे से। इस प्रकार गुरमुखो पांच तत्तों तो सृष्टि साजी है सिर श्री सृष्टि चलाउण लई फिर पांच काम करो लोभ हंकार बनाए सृष्टि चलाउण लई पांच शब्द स्पर्श रूप रस गंध बनाए सृष्टि चलाउण लई शब्द स्पर्श रूप रस गंध तत् आदिक बना के काम करो आदिक बना के शब्द स्पर्श इत आदिक ते होर भी दैवी गुण भी बनाए बख्श कीते जिवें जिवें लोड़ समझी तिवें तिवें
यह सब कुछ महाराज साहब जी ने बड़ौना किया श्री जी चल रही है ता ही तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंज प्यारे साझे ने इशारा कर गया गुरु नानक पातशाह पंच प्रमाण पंच प्रधान पंचे पावे दर गह मान पंचे सोहे दर राजान अज भुलड़ दूजे भुलेखा पाने वाले कहते पंज बाणियां नहीं ककार भी पंज बाणियां भी पंज बख्शा भी पंज तख्त भी पंज कहते दोना साधु तो जाओ तुम एक भी ना पढ़ो तो कौन कहता है। इस प्रकार गुरमुख किसी बंदे के मगर नहीं लगना लिखती प्रमाणा मुदे रख के चलना जो सृष्टि पंजा तत्ता तो है सृष्टि चौह खानिया तो है अंड जेरज सित जकीनी उत्पट खान बौर रच दीनी सो चार खानिया तो पंजवीं खान बना लो नहीं बना सकता सो वो कि है सो अंडज आंडिया चो बड़े जी पैदा होंगे जिमें सप होया कुकड़ होए होर जानवर आंडिया चो इस प्रकार जेरज जेर तो जड़ा बच्चे नूं जन्म देंदा और जेर तो पैदा होंदा है पशु जां मनुख इस प्रकार उत पुज धरती तो जिन्हें पौधे उगे ने रुख दरख्त वगैरह घा बूट फुल आदिक धरती तो उगे ने जमे ने इन उत पुज खान कहिंदे है। इस प्रकार फिर सेहत ज ना पसीने मुड़के दा है बंदियां नूं पसीना मुड़का आवे ना नहाओ धो तो फिर जूआं पै जांदियां पशुआं नूं आउंदा चिट्टड़ियां बन जांदियां रुखा आउंदा हीरे पन्ने पैदा हो जाते बरोजे पैदा हो जाते रुखा गूंदा तो लाखा पैदा हो जाएं चावान भाव खाणी सारी सृष्टि साजी है करते पुरख ने एदों बाद को की कर लो भी कितों साजी तो कदों साजी तो कदों परलो करनी है ये किसी के बस की गल नहीं हर जी तो सदा डराने रहीए। इस प्रकार गुरु को जिस धरती से पैदा होए हैं तो अंत होना है कि साडा भी होना तो अगे हों आया सारिया का जीव आत्मा नवी नहीं साजी कट्ठी साजी सतगुरु सब कुछ महाराज साहब जी ने इस महाराज साहब सुख सिक्ख्यावान देते हैं। अज एक संगरान का मदे महीना मदे रखद हो बारह माह की रमता है इस पासे आप ख्याल देिए तो बारह माह यही नहीं होर जड़िया बेनती कीतियां सुनिया लिया तुसा बाणी कितों भी पढ़ लो ज्ञान का भंडार है सुख सिक्ख्यावान सानू देती है आओ अज दे पा बारह माह की रमता अज दे महीने का पाठ कुछ मिनट होर मिल के अखर सांझे करिए चेत कविंद आराधी है उपर शुरू कर बारह माह बारह माह माज महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरत कर्म के विछड़ै कर कृपा मेलो राम चार कुंठ दै दिस परमै थकाए प्रभ की साम तिन दुदै ते बारी किते न आवै काम जल बिन साख मिलावती उपजै नाही धाम हर नहन मिलिए साजने कत पाइए विश्राम जित कर हर कंत ना प्रगटी पाठ नगर से ग्राम सर्ब सिंगार तंबोल रस सण देही सब काम प्रभ स्वामी कंत विहुणिया मीत सजन सब जाम नानकी बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निचल धाम चेत गोविंद आराधियै होवै आनंद कणा संत नाम मिल पाइयै रसना नाम पणा जिन पाया प्रभ अपना आए तिसै गणा एक खिण तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल तल महील पूरिया रव्या विच बणा सो प्रभ चित न आवई कितड़ा दुख गणा जिनी रावया सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मलाए सो प्रभु तिस कै पाए लगा चेत मलाए सो प्रभु तिस कै पाए लगा। सो गुरु के प्यारियो गरीब नवाज की कृपा नाल बारह माह की बाणी आरंभ हुई है पहले मंगला चरण वालियां पंक्तियां ते परंत महीने का पाठ
इसे प्रकार आखिरी महीना जो फगण का आता है तो फिर भोग वाली पगतियां फगण महीने तो उपरंत जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच खरे एने के फगण महीने का पाठ विचार कर लिया अगलियों छड़ दईए नहीं ते तेज तो रंभ करिए तो पहलियों छड़ दईए नहीं बाणी की रंभता एक ओंकार तो होंगी है बारह माह तो बारह माह इसका सिरलेख है माह नाम महीने का है बारह इसकी गिनती है 365 साल के दिन ने 30 तो कद 31 32 तो कद 28 29 इस प्रकार महीने के दिन आते ने सारी गिनती किन्नी बरा आए तो किन्नी बरा चले गए जिमें सदनामे बाणी सिरलेख ही सद रखे सदा आना आखिरी हुक्मनामा आखिरी सिक्ख्या गुरु अमरदास जी की लाणिया नामे बाणी है कोई शरीर छड़ते लाणिया देते पिटते रोते इस प्रकार विह हो घोड़िया गाँवते घोड़िया नामे बाणी छत्ता नामे बाणी वारा अनुसार बाणी महाराज साहब ने कोई असर नहीं छी पढ़िए ना सुनीए ना विचारीए ना तो फिर साडा कसूर है कित जाने की लड़ नहीं किसी को पुछण की लड़ नहीं ऐलू वक्त साचा सतगुरु क्या करे जो सिखा मैं चूक अंधे एक न लग गए जो बांस बजाइए फूक इस बाणी का सिरलेख है बारह है माह महीने तो माज राग है तो महला पंजवा गुरु अर्जन साहब रसना तो उचारिया शब्द अमृतसर साहब की पवित्र धरती से यह बाणी चौथे घर सुरदाल हजूर बख्श करते हैं रंभ में अकाल पुरख निरंकार चेते करते हैं वह मंगला चरण है जेड़ा मूल मंत्र का छोटा रूप है एक ओंकार सतगुर प्रसाद बहुती बार लिखा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद भी लिखा एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद भी लिखा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहब अंगुर प्रसाद ये महामंत्र है महामंगला चरण है मूल मंत्र केवल एक बार लिखे रब बेच नानक होशी भी सचते एका ला के सिद्ध करता भी सारा मिल के एक पौड़ी इस प्रकार एक अद्वितीय निरंकार काल पुरख जिदे बराबर की हस्ती शक्ति व्यक्ति कोई नहीं होई तो नहीं होगी ओंकार जरा चाहेगा भी रख्या होगी सहायता होगी तो कूड़े के अखर ओम शब्द आता है ये लुकिया होया है जिसे झगड़े दुनिया के पे से 63 धर्म के गुरु साहबां दे वेले जिस ओम पंड ब्राह्मण तो बिना कोई पढ़ नहीं सकता तो खत्री तो बिना कोई सुन नहीं सकता तो साढ़े वर्ग का की बनता रसना पवित्र किमें होंगी हजूर ने ओम से कार खिंचती तो पहले एका ला दिता पंडित पुछते की बिड़ानता कि सब उदका ही बिड़ानता कोई गावे को सुने कोई कह करे विचार को उपदेश को जो सब का हो उधार बड़ी बख्शाने से की यह भी सोचा ये संस्कृति इन्हों पंडतों ने साहस हजार मुख वाले चेस नाग की बोली इन्हों पंडतों ने सुंदर वैष्णों नहीं पढ़ देनी इस प्रकार इन्हों गुरमुखी अखर की बख्शिश कर दीए संस्कृत को पढ़ नहीं जान है पेह कह महमान नाम बखाना ताते सतगुर श्री मुखबानी रज दीनी लोगन गत ठाणी साड़ी गत मन में ठान जान के सू गुरमुखी अखर बख्श किए ने तो जिहड़ा सिख हुंदा गुरमुखी अखर ना सीखे ना पढ़े वो बहुत वड्डे घाटे विच है बाकी जिहड़ी है तो मलेश बोली है खत्रियां दा धर्म छोड़िया मलेश भाखिया गई सृष्ट साहब एक वर्ण होई धर्म की गत रही इह जी हालात बन रही है सो इस प्रकार सिरलेख निरंकार देख के करता पुरख नूं याद करके कहिंदे ओह एक निरंकार सत है नाश तो रहत है बाकी सब असत ने वो गुर वड्डा है तो गुर दसदा है तो गुर नेरे दूर करता फिर प्रकाश जिहड़ा गुरु गुरु जपी ओहदे हर एक दे नहीं हो सकते गुरु गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जपी चलो अग्ञानता मिटी जाऊगी तो ज्ञान वधी जाऊ दिन ब दिन चानण हो जाऊ नेरा मिटी जाऊ प्रसाद नाम कृपा का है तो किन्नी कृपा करता वे जिनी कृपा कोई करता ही नहीं दीनण की प्रतपार करे निरसंत उबार गनी मन गारे पश पशु नग नाग नाकम सर्व समय सब को प्रतबारे पोख्त है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म बिचारे दीन दयाल दया निद दया का समुंदर दया का खजाना दया का घर इनी दया दोखन देखत है पर देत न हारे दोख विकार अवगुण साढ़े वेखदे में हार दे दिता है
उसनू प्रसाद कहते हैं, जो गुरु चरणा आता है जिहड़ा लैंदे हैं प्रसाद गुरु की कृपा। सो मंगल स्वरूप ते मंदर स्वरूप है, अगे हजूर कृपा करते हैं। किरत कर्म के विछड़ है कर कृपा मेलो राम, जिहड़ी किरत करते हैं सवेर तो शाम तक, सो ये साड़ी परा संचित होंदी है। असी एक चित्रगुप्त दो ने संचित होई किरत तो फिर बनदी परा लब्द। परा लब्द वे भोगनी पैंदी है, भोगे बिना भागे नहीं कर्म गति बलवान। मत कोई जाने जाए अगे पाए सी, जे ही कर्म कमाए ते हो होई सी, भोगण तो बिना मिटने नहीं। किरत आप माड़ी कीती है दोष दूजे नूं देईए, दद्दा दोष न देओ किसे दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजे अवर जना। इस प्रकार कर्म अनुसार बनी परलब्ध, माथे जो तब लिखिया सो मेड़ ना सके कोई, लिखना मिट्टी हे सखी जो लिखिया करतार, रब ने कोलों नहीं लिखिया साढ़े कर्मा तो लिखिया है। एक किरत होंगी है, एक सुकिरत एक दुकिरत होंगी है। जेडे पापा वाले कर्म ने उन्होंने दुकिरत दुकिरत कहते हैं, जेडे पुन्ना वाले परोपकारी वाले चंगे कर्म सुकिरत कहते हैं। दुकिरत नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दुकिरत सुकिरत थारो करवरी, तेरे कर्मा का भोग है दुकिरत माड़ी सुकिरत चंगी। हुण तुहाडी मर्जी है भाई, दुकिरत कर लो जां सुकिरत कर लो, माड़े पाप कर लो दुकिरत बन जाऊगी, चंगे काम कर लो सुकिरत बन जाऊगी। पुन आदिक परलब्ध बन जू फिर भोगनी पैनी, कीता पाउणा पैना ते बीजा बढ़ना पैना है। इन्हां कर्मां अनुसार बड़े प्रमाण ते बड़ियां साखियां बाणी च लिखियां ने, जिहड़ियां वड्डियां वड्डियां नूं वी कीता पाउणा पिया। रब की मर्जी है भी सूली तो सूल बना देवे, मालक की मर्जी सुपने च भुगता देवे, नहीं तो भोगण तो बिना नहीं मिटनी। जो भी कर्म कर लिया वह भोगना जरूर पवेगा। इस प्रकार किरत कीती दे कर्मा अनुसार बनिया, कर्मा अनुसार असी तेरे तो विछड़ गए हाँ, ते कर कृपा मिल हो राम, राम नामे रमे हुए सर्वव्यापी काल पुरख दा। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਛੜਿਆ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਵੋ। ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੇ ਦਿਸ ਪਰਮੇ ਤਾਂ ਕਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੌਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੋਨਾ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਮੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗੰਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ, ਚਿਰਨਕਾਲ ਦੇਸ ਜਰੀਆ ਮਿਲ ਜਗ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਚੁਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੂਨ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਚੁਰਾਸੀਆਂ, ਕਈ ਚੁਰਾਸੀਆਂ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੂਨ 'ਚ ਕਈ ਕਈ ਜਨਮ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਜਨਮ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਕਈ ਜਨਮ, ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀੜੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਰੁੱਖ ਦਰਖਤ ਵੀ ਚੁਰਾਸੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਰ ਗੁਣ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭਰਮੇ, ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਮ ਮਰ ਕੇ ਜਮ ਮਰ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਾ ਕਰਾਂ। ਬਹਾਰੀ ਕਿਤੇ ਆਵੇ ਕਾਮ, ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਧੇਨ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਰ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੜ ਜੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਹਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਵੱਢ ਵੁੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਖ ਗੱਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਪਾਪ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਗਊ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਗਊ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ, ਸੋ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਤਰੀ ਵਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਮਿਲਾਵਤੀ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀਂ ਦਾਮ, ਜੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਦਾਮ ਪੈਸੇ ਝੱਗ ਭਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਹੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾਮ ਰੂਪੀ, ਖੇਤੀ ਹੈ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ, ਕਮਲਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਦਾਮ ਬੋਹੜ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਭ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣੇ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਪ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਹਰ ਨਹਾ ਨਾ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਨੈ ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ, ਹਰੀ ਨਾਹਾ ਪਤੀ ਸੱਜਣ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖਾ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਾਹਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਸਰਾਮ ਟਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵੇਗਾ।
ਤੇ ਸਰ ਜੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗਾਹ ਕਿਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਕਰ ਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੀਜਿਆ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਗਵਾਏ ਤਿਹੋ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਪਰਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਵੱਢੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਦ ਕਰ ਹਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਈ, ਪਾਠ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਭਾ ਜਿਸ ਘਰ ਹਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੈ ਕਰ ਸਾਧਨ ਸੇਵੀਏ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਘਰ ਮਰ ਹੱਟ ਛਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵਸੇ ਤਨਵਾਹੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਰ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਜਿੰਦੂਰਾ, ਧੀ ਜਿੰਦੋਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਦਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਭੂਤ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਭੂਤ ਨੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਤਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਸਿੰਗਾਰ ਕੰਬੋਲ ਰਸ, ਸਣ ਦੇਹੀ ਸਭ ਕਾਮ। ਸਰਬ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਬੋਲ, ਪਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸ ਕਰ ਆਦਿ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਰਨੇ। ਸਰਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੰਬੋਲ ਰਸ, ਸਣ ਦੇਹੀ ਦੇਹੇ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਖਾਮ, ਕੱਚੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੀ ਤੇਰੇ ਆਉਣੇ। ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆ, ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਸਵਾਮੀ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਕੰਤ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀਆ, ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ, ਸੋ ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ ਰੂਪੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਡਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਜੈ ਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਨਕ ਬੇਨਤੀਆ, ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਮਿਲੋ ਸਵਾਮੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ, ਜਿਸਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ। ਜਿਸਦਾ ਧਾਮ ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਹਚਲ ਹੈ, ਅਚਲ ਅਚਾਇਲ ਚਲਾਏ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਇਹ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਚਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਆਈ ਤਾਂ ਚੇਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸੋਧਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਚੇਤਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਏ ਨੇ ਬਹੁ ਵਰਤਨ, ਚੇਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅੰਕੇ ਵੇਲੇ ਆਹ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਵਿੰਦਾਂ ਦੁਆਰੇ ਬਿੰਦ ਜਾਣਨੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਿੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਰਾਧੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਸੰਤਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਏ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ? ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ, ਜੋਗਾਨੰਦ, ਭੋਗਾਨੰਦ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ, ਦਰਿਆ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਇਆ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰੀਦਾ, ਤੇ ਸਰੂਰ ਤੇ ਖੇੜਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਮ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਘਣਾ ਆਨੰਦ, ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ। ਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਚਾਰਨਾ, ਉਚਾਰਨਾ ਹੈ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵੈਖਰੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸੰਤਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ, ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਥਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਾਹਿਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਈਏ, ਸੋ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਾਣਾ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਆਏ ਤਿਸੇ ਗਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਈ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਏ ਨੇ ਕਿਤਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਮ ਨੇ ਆਏ ਸਿਹਤਵੇਂ ਬਿਨ ਬੁੱਝੇ ਪਸ ਟੋਰ, ਜਿਹਦਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ, ਸੋ ਚਾਰਾ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਗਧਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਗਏ,
परिवार पालन ली पेट पालन ली आए थे आके चले गए मर गए जन्म ले रहे थे मर गए तरह आए ने वो आए गिनती विच नहीं इस प्रकार गिनती विच ओही ने बिरले बिरले महात्मा आया सफलताहू का गनिए जास रसन मुख हर हर भनिए जिन्हें वाहिगुरु आयु रसना नाल परमेश्वर जात बिना चेचे तो बिना सादा लंघी जाता रहन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौटी बदले जाए साडा सारा समा व्यस लंघी जाता है हजूर ने एक खिन थोड़ा समा भी ओरी याद चेते तो बिना नहीं लंघना चाहिए एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जना जानना करो जन्म व्यर्थ न करा है तुहाडा तो समा जल थल महियल पूरिया रव्या विच वणा किनू जाल चेते करना जड़ा जल विच भी ते थल खुश धरती भी ते मही आम सर सब धरती विच भी ते अल आकाश विच भी रव्या विच वणा रुखा दरख्तां विच भी हर वस्तु विच जड़ा सर्वव्यापी है उस काल प्रभु चेते करो कि देवी देवता का बंदा नहीं सो प्रभु चेतन आवई कितड़ा दुख गणा जे तेन सब प्रभु परमेश्वर करता पुरख चेते नहीं आउंदा जे याद नहीं आउंदा तो कितड़ा कि दुख तेन मिलूगा वो गिण के नहीं असीं दस सकते ना तोल मिल के दस सकते हैं जन्म होना कोई सौखी गल नहीं दुख है बड़ा वड्डा इस प्रकार से मरना उदों वध दुख है कहते बिछुआ जानवर पकड़ के उन्होंने पत्थरों के बच्चे रख दे ते पत्थरों ने जो डंग मारता जहर उगलता तो पत्थर फुल 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 लग जाते उबल लग जाते हैं वो फिर खिल बन जाते हैं उन्हों तो संख्या जहर बन जाती है तो बहुते बिछुए कट्ठे डंग मारन इन्नी दर्द पीड़ मरन वेले होंगी है सो जिंद नी कड़िए हड्डा कड़काए हड कड़कते हैं हड टुटते हैं ते हर रंग बदलता स्याह होवा सेठ सारिया से लागू नहीं परमेश्वर के प्यारे तो महात्मा मरण का चा हों दस के फतेह गजा के कह के कि मैं चलिया तो चले जाते हैं जिस तरह ज सप अपनी कुंज ला जाता है उन्होंने लागू नहीं है कानून उन्होंने गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया सच्ची दरगह जाए सच्चा पिंड मलिया गुरमुख निर्जल चेतन हले हलिया गुरमुख भोजन पाओ चाओ अलिया गुरमुख सदे जान आवन कलिया उन्हां दे लागू नहीं ते बहुत